हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर तो हमने फंक्शन सीख लिए थे। सो पैरामीटर्स क्या होते हैं? इन्फॉर्मेशन कैन बी पास टू फंक्शन एज अ पैरामीटर। मतलब अगर हमें कोई भी फंक्शन में इंफॉर्मेशन पास करनी हो तो हम पैरामीटर की हेल्प से पास कर सकते हैं। अब देखते हैं पैरामीटर का सिंटेक्स क्या होता है। जो नॉर्मल फंक्शन का सिंटेक्स होता है वही पैरामीटर का सिंटेक्स होता है। देखो, बस पैरामीटर में क्या होता है, ये जो हमारे पैरेंथेसिस होता है फंक्शन के नेम के बाद में, इसमें हम क्या पास कर देते हैं, अपने पैरामीटर्स पास कर देते हैं। हम मल्टीपल जितने भी पैरामीटर्स सब चाहते हैं हम उतने पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं। देखो, हमने एक वॉइड बनाया और ये क्या कहना है, माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया। ये क्या कर रहा है, ये एक नेम को ले रहा है। देखो, और पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पैरामीटर, ओके, ये हो गया हमारा पैरामीटर्स। और फिर हमने क्या किया, इसको पास करा दिया। बट अब जब हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैरामीटर के लिए हमें आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखो, जब हमने माई फंक्शन को कॉल किया तो ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ले रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, ओके। तो देखो, इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। सबसे पहले देखो, अच्छा हम सम का देख लेते हैं, ठीक है। तो सम की देखो, इसने क्या किया, ये दो पैरामीटर लेता है, x और y, दोनों इंटीजर टाइप के, और ये क्या रिटर्न नहीं करता, ये प्रिंट कर देता है। ओनली x और y का जो भी एडिशन होगा ये उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको कॉल किया, तो हम कॉल करेंगे तो इसको नॉर्मली कॉल नहीं करेंगे हम, ठीक है। कॉल करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, मतलब जो भी दो नंबर का एडिशन चाहिए हम वो पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पास हो गया। अब इसको बिल्ड कर लेते हैं, तो हमें आउटपुट में क्या होगा, 500 होना चाहिए। देखो, 5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया, आपको समझ में आई होप। अब दूसरी चीज आती है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। मल्टीपल पैरामीटर्स इन द सेंस कि अपन मल्टीपल पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को। अब आता है एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, मतलब कि एक पैरामीटर क्या करते हैं, हम इसमें वैल्यू पहले से प्लेस कर देते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो हम पास करेंगे तो वो उस वैल्यू से चेंज हो जाएगी, अगर पास नहीं करेंगे तो ये जो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू हम प्रोवाइडेड है वो वैल्यू यूज़ करेगा। देखो, इसको हमने बिल्ड किया तो अभी हमारा आंसर 5 ही आएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसमें वाई की वैल्यू भी पास की है, तो आउटपुट में 5 ही रहेगा। देखो, 5 ही है, बट अगर मैं इसमें x की वैल्यू पास करूं तब देखना, ये हमें ऐड करके 6 और 2 8 रिटर्न करेगा। तो देखो गाइस, हमारे पास आउटपुट 8 आ गया। तो यही होता है डिफॉल्ट पैरामीटर, ओके। एंड एक और चीज़ है इसमें, हम देख लेते हैं रिटर्न कीवर्ड, ओके गाइस। अब रिटर्न कीवर्ड किस लिए यूज़ करते हैं हम, देखो ये तो हो गया हमारा फंक्शन, हमें क्या कर रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब इसने कोई वर्क किया और क्या कर दिया, नॉर्मली वो प्रिंट कर दिया। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये जो भी वैल्यू रिटर्न करे, जो भी वैल्यू वो जो भी वर्क करे वो हमें रिटर्न करें, और हम उसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेंगे और बाद में उसको मॉडिफाई करना चाहें या जो भी वर्क करना चाहें। तो देखो, उसको क्या करते हैं हम, रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा हमें। जैसे मैंने सम का ही है, तो सम में मैंने क्या कर दिया, रिटर्न टाइप को इंट कर दिया, मतलब ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हम क्या करते हैं, सी आउट की जगह हम रिटर्न वर्ड का यूज़ करते हैं। देखो, तो ये रिटर्न करेगा अभी हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट आंसर नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। अब हम इसमें क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं और इसमें हमारे दो नंबर पास कर देते हैं, 4 और 5, और यहाँ पे सी आउट करा देते हैं हम आंसर को। तो देखो, हमने आंसर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और अपना सम जो फंक्शन था उसको कॉल कर लिया। अब ये फंक्शन यहाँ पे गया, इसने क्या किया, दो नंबरों को ऐड किया, ऐड करने के बाद इसने रिटर्न किया। रिटर्न कहाँ होगा, जहाँ भी हमने फंक्शन को कॉल किया था ये वहाँ वैल्यू रिटर्न करेगी। तो कॉल कहाँ किया था, यहाँ हमने फंक्शन को कॉल किया था, और वो वैल्यू स्टोर हो गई आंसर नाम के वेरिएबल में। हमने आंसर को प्रिंट कराया तो हमारा आंसर आएगा 9, तो हमारा आंसर आना चाहिए। देखो, 9 हमारा आंसर आ गया, ठीक है गाइस। अब एक और चीज़ होती है, वो होती है पास बाय रेफरेंस। तो देखो, ये जो हम
आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। इसको हम किसके थ्रू पास कर सकते हैं? हम पास बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने दो वेरिएबल बना लिए, एक्स में डाल दिया मैंने 10 और वाई में डाल दिया मैंने 20। ओके मैं क्या चाहता हूँ, अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉल कर लिया एक्स और वाई को, और यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको प्रिंट करा दिया। ओके देखो, और इसको भी हम चलो सम टू नम ही रहते हैं, बट मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वैल्यू स्वैप हो जाए। नहीं, फंक्शन का नेम भी चेंज कर देते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो फंक्शन का नाम हमने कर दिया स्वैप टू नम। ठीक है, ये क्या करता है, स्वैप कर देता है दो नंबरों को। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक्स और वाई पास करेंगे तो यहाँ पे, और स्वैप के लिए क्या होता है, स्वैप के लिए हम एक और वेरिएबल बनाते हैं टेम्प नाम का, उसमें हम क्या डाल देते हैं, हम एक्स को डाल देते हैं और एक्स में हम क्या पुट कर देते हैं, वाई को, देन अगेन एक्स में वाई को पुट कर देते हैं, देन हम वाई में क्या पुट कर देते हैं, टेम्प को। ओके बट यहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है, वो जो वर्क हो रहा है वो इस फंक्शन तक ही सीमित है। ठीक है, जब जो वो इस फंक्शन तक ही सीमित है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स जो भी पास करें इन दोनों की वैल्यू को स्वैप कर दे, तो हमें इस, हमारे पास एक ऑप्शन होता है क्या, हम इसको रेफरेंस के थ्रू पास कर सकते हैं। तो रेफरेंस क्या होता है, एक अलायस होता है, हमने पढ़ा भी हुआ है इसको। तो सिंपली हम क्या करते हैं, रेफरेंस के थ्रू पास करने में एंड लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफरेंस के थ्रू पास हो रहा है, इसको हम सेव कर देते हैं। ओके अब हमने क्या किया, बिल्ड कर लिया इसको। तो यहाँ पे हमारे x और y की वैल्यू क्या हो गई। ओके देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्वैप हो गई वैल्यूज। अब स्वैप होने के बाद में अगर हम प्रिंट करते हैं x को, स्पेस देके y को, तो देखो हमारे x में क्या है, 10 है, y में क्या है, 20। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो x और y की वैल्यू है वो एक दूसरे से स्वैप हो जाए। तो स्वैप होने का मतलब क्या है, x में आ जाएगा 20, y में आ जाएगा 10। मैंने इसको स्वैप कर लिया, अब देखते हैं कि हमारा आता है या नहीं। ओके अच्छा, ये देखो हमारे एरर आ रही है, एक तो हमने क्या किया है, सिंटैक्स मिस्टेक है। इसको वापस बिल्ड करते हैं, अब आ जाना चाहिए। देखो गाइस ये क्या कर रहा है, इसके एड्रेस को भी प्रिंट कर रहा है। ओके तो ये क्या कर रहा है, इसके एड्रेस को भी प्रिंट कर रहा था। तो हमने क्या कर दिया, इसको ओनली कॉल किया है। तो देखना अब हमारे x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 और 10 हो जाएगी, बिकॉज पहले क्या है, x में 10 है। देखो गाइज हमारा वैल्यू स्वैप हो गई है, और ये स्वैप क्या हुआ है, हमने जो आर्ग्यूमेंट पास हुए थे वो स्वैप हो चुके हैं अब। मतलब इन द होल मेन, व्हेनेवर वी कॉल x, x के अंदर वैल्यू आ गई 20 और y के अंदर आ गई 10। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो पास किया था वो पास बाय रेफरेंस किया था। अगर हम इसको नॉर्मली पास करते, मतलब ये हटा देते, तो ये जब तक इसको कॉल किया है इसके अंदर ही ये वैल्यूज स्वैप हुई होती, इसके बाद में ये वैल्यूज़ अपने आप, अगर हाँ देखो अब मैं इसको प्रिंट करूँ सेव करके, तो हमारे एक्स और वाई की वैल्यू अगेन 10 और 20 रहेगी, देखना आप। देखो तो रेफरेंस के थ्रू पास करते हैं तो क्या हमारे ओरिजिनल लोकेशन पे वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। So I hope guys you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any query, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.